नमस्कार, आप देख रहे हैं YIS न्यूज। देर रात नशे की हालत में टाटा मैजिक चालक गिरकर गंभीर रूप से हुआ घायल। 112 पुलिस ने घायल को बिलारी CHC में कराया भर्ती। हालत गंभीर, जिला अस्पताल राफा, बिलारी नगर के गांधी पार्क चौराहे की घटना। बिलारी देर रात उस समय हड़कंप मच गया जब गांधी पार्क चौराहे पर नशे की हालत में टाटा मैजिक चालक टाटा मैजिक से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची 112 पुलिस ने घायल को बिलारी CHC में भर्ती कराया। जानकारी के अनुसार भिकिनपुर गांव निवासी बंटी पुत्र फौजी अपने साथी यादराम के साथ सतारन गांव से वापस अपने घर भिकिनपुर जा रहा था। जैसे ही गांधी पार्क चौराहे पर टाटा मैजिक पहुंचा, तब टाटा मैजिक से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची 112 पुलिस ने घायल को बिलारी CHC में भर्ती कराया। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। तो इधर बाकीपुर जटनी गांव में खेत में वाटर पाइपलाइन डालने को लेकर किसान को भाई और भतीजों ने मिलकर फावड़े से हमला कर गंभीर रूप से किया घायल। हालत गंभीर, जिला अस्पताल राफा, पुलिस को दी तहरीर, पुलिस जांच में जुटी। कुंदर की थाना क्षेत्र के ग्राम बाकीपुर जटनी गांव में खेत में वाटर पाइपलाइन डालने को लेकर किसान इरफान पुत्र निसार पर उसके सगे दो भाई और भतीजों ने पहले हाथापाई की और उसके बाद फावड़े से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। एम्बुलेंस से पहले कुंदर की CHC पर लाया गया। यहां पर प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। कुंदर की थानाध्यक्ष ललित चौधरी का कहना है कि जांच कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो इधर जरगांव विद्युत उपकेंद्र में लगी आग, एक ट्रांसफॉर्मर क्षतिग्रस्त, किसानों के निजी नलकूपों का संचालन हुआ ठप। बिलारी हाईटेंशन विद्युत लाइन में ब्रेकडाउन हो जाने की वजह से जरगांव विद्युत उपकेंद्र में आग लग गई। आग उपकेंद्र के लाइटिंग अरेस्टर में लगी थी। आग लगने की घटना से कर्मचारियों में खलबली मच गई। सूचना पर स्थानीय पुलिस के साथ ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। इस दौरान ग्रामीणों की मदद से विद्युत कर्मियों ने एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान विद्युत उपकेंद्र का एक ट्रांसफॉर्मर भी आग की लपटों से क्षतिग्रस्त हो गया। जब तक फायर ब्रिगेड पहुंची, तब तक आग पर काबू पा चुका था। बिलारी विद्युत उपखंड के SDO शशांक मिश्रा ने बताया कि जरगांव विद्युत उपकेंद्र से जुड़े घरेलू लाइट वाले फीडर चालू कर दिए गए हैं। देहात इलाके के निजी नलकूप चालू नहीं हो पाए हैं, जल्द उन्हें भी चालू कर दिया जाएगा। ये तारे